हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एंड कमर्शियल वर्ल्ड की दुनिया में। स्टडी एंड कमर्शियल वर्ल्ड की दुनिया में आज हम बात करेंगे युद्ध अभ्यास के बारे में। भारत में युद्ध अभ्यास किस किस के साथ युद्ध अभ्यास करता है। 2022 में भारत ने किन किन देशों का युद्ध अभ्यास अभी किया है और ये इम्पोर्टेंट क्यों हों। युद्ध अभ्यास का अपना स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट होता है कि जब दो देश के सैनिक आपस में आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी नीतियाँ, उनकी पॉलिसी, उनके लड़ने का तरीका, उनके अभ्यास का तरीका हम सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। युद्ध अभ्यास का मतलब यही होता है, दो देश की मित्रता बढ़ती है, लगाव बढ़ता है, साथ ही साथ दो देश सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ता है। चलिए हम बात करते हैं युद्ध अभ्यास क्या है। देखिए, युद्ध अभ्यास किन्हीं दो देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को, सहयोग को बढ़ाने के लिए, विभिन्न तकनीक को साझा करने के लिए मित्र देशों के साथ आयोजित किया जाता है। किसके साथ? मित्र देशों के साथ। कोई दुश्मन देश के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तालमेल अच्छा नहीं है तो कैसे उनके बीच युद्ध अभ्यास किया जाए। जिनमें उन देशों को, जितने भी देश शामिल हो कि सेना का हिस्सा लेती हैं और एक साथ में असल युद्ध की तरह युद्ध अभ्यास करती हैं। युद्ध अभ्यास क्या प्रैक्टिस है? किसके लिए? आने वाले खतरे के लिए दो देशों के बीच सहयोग हो। मान लीजिए कोई देश किसी देश को हमला करता है, अगर वो पहले से युद्ध अभ्यास कर तैयार रहते हैं तो युद्ध लड़ने के लिए आसान होता है, उनकी अपनी नई तकनीकी का भी सहारा मिलता है। इसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये विदेशी हैं और ये भारतीय हैं, इनके बीच कितना अच्छा संबंध है, सहयोग, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और साथ साथ युद्ध अभ्यास करते हैं, अपनी एक स्ट्रेटजी एक शेयर करते हैं और लड़ने का तरीका शेयर करते हैं, उत्साह जोश शेयर करते हैं। इंडियन आर्मी है और ये फॉरेन की है, वैसे आर्मी है ये है। देखो इनके हाव हौस लग रहा है, इसको सहयोग करने हेल्प करते हैं और लड़ने की तकनीकी सिखाते हैं। चलिए आगे देखिए, अब हम युद्ध अभ्यास इतने लड़े जाते हैं इंडिया में, इंडिया किसी साथ लड़ता करता है, वो सब की हम चर्चा करेंगे। चलिए हम पहले युद्ध अभ्यास चर्चा करते हैं। पहले का टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास किसके बीच लड़ा जाता है? भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास होता है। ये पिछली बार आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। अब आ गया वज्र प्रहार। ये पूछता है कि भाई वज्र प्रहार किन किन देशों के बीच लड़ा जाता है? भारत अमेरिका के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है। 2022 से बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। वज्र प्रहार और टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास अमेरिका के बीच लड़ा जाता है। एक और है युद्ध अभ्यास 2022 भारत अमेरिका के बीच उत्तराखंड के औली में लड़ा गया, मतलब युद्ध अभ्यास किया गया, लड़ा गया, जो भी हम बोल सकते हैं युद्ध अभ्यास इस साथ करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। क्या है ये? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, ये भारत नेपाल के बीच लड़ा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसे याद रखिए क्योंकि पूछा जाता है। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। ये अभी कहाँ लड़ा गया युद्ध अभ्यास? कहाँ किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। अब गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ। 2022 में कहाँ हुआ? हिंडन वायुसेना स्टेशन गाजियाबाद में हुआ। गरुड़ क्या है? गरुड़ वहाँ की एयरलाइंस की सिंबल है और वायुसेना का भी एक सिंबल है गरुड़। गरुड़ भारत में भगवान विष्णु से संबंधित है। देखिए वरुण युद्ध अभ्यास, वरुण क्या है? भगवान, ये भी हमारे विद्यो साहित्य और साथ ही साथ ग्रंथों में भगवान माने जाते हैं। वरुण क्या होते हैं? वर्षा के देवता होते हैं, वरुण तूफान या वर्षा के देवता होते हैं। वरुण युद्ध अभ्यास किसके बीच लड़ा गया? किसके बीच किया गया? भारत और फ्रांस के बीच किया गया। मार्च अप्रैल 2022 में कहाँ किया गया? अरब सागर। अरब सागर कहाँ है? भारत के ईस्ट, भारत के पश्चिम में है। हुआ अब ये देख रहे हैं ना आप, ये यूएस, ये देखिए ऐसे ही होता है युद्ध अभ्यास, पहले बातचीत किया जाता है, फिर उसका प्रैक्टिस किया जाता है कैसे लड़ा जाए। एक और है भारत और फ्रांस के बीच, क्या है वो? शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ, नवंबर 2021 में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रेजस फ्रांस में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। इंद्रधनुष किसके बीच होता है? इंद्रधनुष होता है ब्रिटेन और भारत के बीच में होता है। 2020 में कहाँ हुआ था? हिंडन वायुसेना पर, ये एयरफोर्स युद्ध अभ्यास है।
और इंद्र किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच होता है। चलिए अगला देखते हैं, इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच में दो युद्ध अभ्यास है। देखिए दो युद्ध अभ्यास और होता है भारत और ब्रिटेन के बीच, एक होता है अजयवीर, दूसरा होता है कोंकण युद्ध अभ्यास। अजयवीर भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था, कौन सा संस्करण था? छठवां संस्करण। कहाँ हुआ? चौबटिया उत्तराखंड में हुआ था। कोंकण युद्ध अभ्यास कहाँ किसके बीच हुआ था? भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था 2021 में। कहाँ हुआ था? इंग्लिश चैनल अर्थात ब्रिटेन में हुआ था, यूके में हुआ था, इंग्लिश चैनल पर। इन नौसेना का युद्ध अभ्यास है। संप्रीति युद्ध अभ्यास, संप्रीति नाम से लगता है भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच में हुआ होगा, नाम से पता चल जाता है ना। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था जून 2022 में। कहाँ हुआ था? जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। और देखो बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। दूसरा पहला क्या हुआ? संप्रीति युद्ध अभ्यास। दूसरा बोंगो सागर युद्ध अभ्यास 2022 में कहाँ हुआ था? पोर्ट मंगोला बांग्लादेश में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें इंद्र, भारत और रसिया का रिलेशन बहुत पुराना है, साथ ही साथ इनके बीच डिफेंस रिलेशन बहुत अच्छा है। भारत अपने टोटल डिफेंस इक्विपमेंट का लगभग 70% निर्यात आयात कहाँ से करता है? रसिया से करता है। अभी भारत ने S-400 ये रसिया से लिया, इम्पोर्टेंट है और काफ़ी विवाद का मुद्दा बना, क्योंकि USA रसिया पर सेंक्शन लगाया है। ये देखो इंद्र युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। कहाँ? भारत और रूस के बीच में। कहाँ हुआ था? वोल्गोग्राद में, ये रूस में स्थित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है इंद्र युद्ध अभ्यास कहाँ। देखिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बंदूक बनाने स्टाइल से लेकर सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें, तोप कैसे चलाएं, रॉकेट लॉन्चर कैसे चलाएं, टैंक कैसे चलाएं, ये सब चीज़ों का अभ्यास होता है। अब हम बात करें धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन का युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ था? भारत और जापान के बीच में हुआ था 2022 में। कहाँ हुआ था? बेलगावी कर्नाटक में ही हुआ। जब धर्म संबंधित जापान और सेन्यू लग रहा है कि ये भी जापानी नाम है, ये कहाँ से हुआ था? भारत और जापान के बीच में हुआ था 2022 में। कहाँ हुआ था? पन्ना नगर पश्चिम बंगाल में हुआ था। जीमैक्स युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाली खाड़ी में। अभ्यास को तीन धर्म अभ्यास, तीन युद्ध अभ्यास जो हुआ था भारत और किसके बीच में हुआ था? जापान के बीच में। किसके? भारत और जापान के बीच। कौन कौन सा? धर्म, सैन्यू, जिमेक्स, DCJ, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चार देशों के बीच में लड़ा जाता है, इसे हम क्वाड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड। क्वाड गठन कब हुआ था? 2020 के 21 के आसपास में हुआ था। और ये मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? ये हुआ था बंगाली खाड़ी। इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से देश भाग लेते हैं? भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये युद्ध अभ्यास लेके जाता है चीन को काउंटर करने के लिए। चीन क्या है? साउथ चाइना सी में उसका प्रभाव बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी में दो तीन ऐसे आइलैंड है जिसपे दो तीन देशों छः देश इस पर क्या कहते हैं, क्लेम करते हैं। और चाइना बिग है, ड्रैगन है पूरी तरह से, साउथ चीन अपना समझता है। अब अगला पढ़ेंगे मैत्री युद्ध अभ्यास किसके बीच में? भारत और इंग्लैंड के बीच में। किसके बीच में? भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था मैत्री युद्ध अभ्यास 2019 में उमरोई मेघालय में हुआ था। अब देखिए दोस्ती की युद्ध अभ्यास, भारत, मालदीव, श्रीलंका। देखो भारत क्या है? बिग कंट्री है। भारत दो पड़ोसी द्वीपी देश कौन से? मालदीव और श्रीलंका, उनके बीच में 15 नवंबर को हुआ था। कहाँ हुआ था? मालदीव में दोस्ती। और समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ था। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के बीच, भारत का सबसे पड़ोसी देश ये भी है इंडोनेशिया, क्योंकि अंडमान निकोबार से नज़दीक है। ये 3 सितंबर 2021 में जकार्ता में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समुद्र शक्ति किसके किसके बीच में होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, कभी सिक्वेंस बना पूछा जाता है, कभी मल्टी चॉइस प्रश्न रहते हैं इस पर। एक्वेरियन मतलब क्या होता है? जल के आसपास चीज़ें ना मछली पानी थी। भारत और मालदीव के बीच हुआ था ये युद्ध अभ्यास। कब हुआ था? 11 सितंबर 2021 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कडहू द्वीप मालदीव में हुआ था। अब नोमडिक कहाँ हुआ था? नोमडिक एलिफेंट किसके बीच हुआ था? भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था। कब हुआ था? बकलोल हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हैंड इन हैंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता भारत का चाइना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास चलता है। ये भारत और चाइना के बीच में 2019 में कहाँ हुआ था? उमरई मेघालय में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये डस्ट लीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भारत और
उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? मार्च 2022 में यंगिगारिक उज्बेकिस्तान हुआ था। देखिए ऐसे लोग प्राइड परेड करते हैं युद्ध अभ्यास में। ऐसे प्रश्नों क्या है आयोग फोकस करता है, जैसे जो नए होते हैं युद्ध अभ्यास जिनके बारे में लोग कम सुनते हैं। और अब ब्रिटेन के साथ हुआ, अमेरिका के साथ हुआ, जापान के साथ हुआ या रसिया के साथ हुआ, ये सब लोग याद रखते हैं। छोटे देश का होता लोग याद नहीं रखता। जैसे डस्ट क्लिक हुआ, एक खंजर हुआ, खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ, ये नवा संस्करण था। कहाँ हुआ? बकलोल हिमाचल प्रदेश में हुआ। ये श्रीलंका, श्रीलंका में सिलनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। कौन सा था? ये नवा ये भी था। कहाँ हुआ था? विशाखापत्तनम में। देखो यस एल मतलब श्रीलंका, आई मतलब इंडिया, ई एक्स मतलब एक्सरसाइज, इनके नाम से श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ये लास्ट है सिम्बेक्स। सिम मतलब क्या हो गया? सिंगापुर। सिम सिंगापुर इंडिया युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच लड़ा गया 2021 में दक्षिण सागर में। सिंगापुर भारत सिंगापुर के बीच ये युद्ध अभ्यास था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्त। ये युद्ध अभ्यास का पार्ट 1 है और जल्द ही पार्ट 2 हम बनाएंगे इसका।